हेलो वंस अगेन, आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यदि मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार चैट में रिस्पॉन्स करिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग आशुतोष, प्रेरणा, नैन्सी, शिका, स्वप्निल, कैसे हो बच्चा लोग? अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो एक बार चैट में रिस्पॉन्स करिए। फटाफट फटाफट चैट में कुछ लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हम लाइव आ चुके हैं। यस, चलिए आप जब तक यस सर, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग अदित, गुड इवनिंग अदिति, शिखा, दिव्या, चलिए स्वप्निल, सभी को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। हम लाइव भी आ चुके हैं। हाँ, आजकल ये जो है लाइव का सेशन इस तरीके से है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तो बाद में, पहले तो ये रहता है कि मेरी आवाज आ रही है क्या, वीडियो दिख रहा है क्या, यहीं से बात शुरू होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, सबसे पहले आज हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज मैंने चैप्टर वाइज सॉर्ट करके नहीं रखे हुए, एमसीक्यू रैंडम्स रहेंगे, बट चैप्टर हम जब रिविजन करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 6 से 7 पेज हम एक एक दिन में रिवाइज करते हुए आगे जाएंगे। 90 पेज है, 12 से 15 दिन लगने चाहिए हमारे को इसको रिवाइज करने के लिए। इस तरीके से स्केड्यूल लेकर हम चलेंगे। कंफर्टेबल एवरीवन? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। वेरी फर्स्ट देखो, आपको मैं एक चीज बता दूं, व्हाई आई एम टेकिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स एज द बेस, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस या जो स्टडी कंटेंट घूमना है वो इसके आसपास घूमेगा। बट मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने 2019 से इसको अमेंड नहीं किया हुआ है। 2019 करंट अफेयर के नोट्स बोल रहे हैं, बट इसको भी रेगुलर बेसिस पर लोग अपडेट नहीं कर रहे। उन्होंने सिर्फ एक बेसलाइन दे दिया है कि हाँ, इसके इर्द गिर्द हम पूछेंगे, खत्म। उसके बाद उसमें चेंजेस हुए, इतना बड़ा एक पैंडेमिक आके चला गया, उसके इम्पैक्ट आपको पूरे मॉड्यूल में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नोट्स जून 2019 के बने हुए नोट्स है। अगर एडिशन यहाँ लिखा होगा तो आपको देखने भी मिलेगा, एडिशन लिखा हुआ नहीं है। जून 2019 के बाद इन्होंने अमेंडमेंट्स किए नहीं है, अपडेशन किए नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको ही ध्यान में रखते हुए लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? बट यस, साथ ही साथ में हमको वही रिलेवेंट प्रोविजन या वही रिलेवेंट चीजों के करंट में क्या चीजें चल रही है उस पर भी फोकस करना रहेगा। आई होप क्लियर है सभी को मैंने क्या बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे 4 चैप्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, लीगल एंड अदर अफेयर्स। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे इज इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, जिसके अंदर में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज इंटरनेशनल बॉडीज। मैं थोड़ा फास्ट लूंगा बिकॉज दिस इज रिविजन, राइट? हम डिटेल में जाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी, बट जहां जरूरत नहीं भी है हम थोड़ा ऊपर ऊपर से फास्ट में लेते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहला टॉपिक जो चालू कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स में। नेशनल बॉडीज को देखकर बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर में 6 बॉडीज आप लोगों को कवर करनी है, IMF, ASEAN, ब्रिक्स, सार्क, G20 एंड बिम्स्टेक। IMF इज फुल फॉर्म, उस पर क्वेश्चन पूछे ये बहुत बचकाने क्वेश्चन होते हैं बट आ सकते हैं। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ASEAN इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का जो गुट है उसे ब्राजील कहते हैं। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसके अंदर में बहुत समय से मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स। ठीक है, G20 इज ग्रुप 27। बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ऐसे 6 इंटरनेशनल बॉडीज हमको पढ़ने हैं, फिर नेशनल बॉडीज भी रहेंगे उस पर बाद में आते हैं। पहले हम आज 3 बॉडीज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, IMF, ASEAN और ब्रिक्स। ये 3 बॉडीज आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर हम हमारे नोट्स, हमारे स्टडी मटेरियल में वापस आ जाते हैं, एक मिनट, यहां से नहीं आएगा वो। तो अब अगर हम स्टडी मटेरियल पे हमारे वापस आ जाते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट थिंग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर हम बात करें तो इनका काम क्या है? इनका काम क्या होता है कि ग्लोबली जो फंड्स है, ग्लोबली लोन्स जो है, पैसे लिए जो जा रहे हैं उसको मैनेज करने का। तो इसके अंदर में कीवर्ड्स आप लोगों को जो ध्यान रखने हैं, अंडरलाइन दैट, ये कितने मेंबर्स का ग्रुप है, दैट इज 189 कंट्रीज जो है इस ग्रुप के, पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स है। वर्किंग टू फोरकास्ट द ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन गोल, ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फेसिलेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस द पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली इनका कारण क्या है, इनका वर्क करने का पर्पज क्या है कि हम सभी का ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास आप बोल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलना चाहिए, पॉवर्टी हमने खत्म करनी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है
जो इनइक्वलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है उसको इक्वली सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की ये कोशिश करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल ले, आपके जेब में अगर 2,000 रुपये, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हो, बट आपके दोस्त के पास में सिर्फ 50 रुपये, वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, यू विल नॉट फील गुड ना। तो अगर दोनों के पास इक्वल अमाउंट रहता तो बोथ ऑफ देम विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डील विद ईच अदर। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, टू क्रिएट इक्वालिटी, फाइनेंशियल इक्वालिटी अमंग द कंट्रीज। तो वही है, इट वॉज क्रिएटेड इन 1945, इट इज बिन गवर्न एंड अकाउंटेड बाय 189 कंट्रीज, जो हमने देख चुका है, दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस कंट्री। IMF प्राइमरी पर्पज, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, अंडरलाइन करके रख दो, IMF प्राइमरी पर्पज इज टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, मॉनिटरी सिस्टम ब्रेक डाउन ना हो जाए। क्या है, US चाइना के ट्रेड वॉर के तहत में चांसेज ही है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम ग्लोबल मनी बोले तो दैट इज US डॉलर, और आपको अगर पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो, US के अंदर में अभी 18th सितंबर तक के ही उनके पास में पैसा रहने वाला है, बिकॉज दे हैव रीच देयर अपर लिमिट टू गेट लोन्स। कांग्रेस जो उनका हाउस रहता है, जैसे हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, उनका हाउस ऑफ कांग्रेस होता है, उसके अंदर में देयर इज बिल जिसको वो पास करने के लिए पेंडिंग है। अगर वो बिल पास नहीं होता है तो US विल रन आउट ऑफ करेंसी, रन आउट ऑफ द मनी ऑन 18th सितंबर ऑफ दिस मंथ, अभी 12 दिन बाद उन लोगों के पास में पैसा खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी सब सिचुएशंस होती है, ऐसी सब सिचुएशंस के तहत इकोनॉमिक ब्रेकडाउन ना हो, इसके तहत भी ध्यान देने की जिम्मेदारी है IMF की। IMF इज रेडी टू गिव देम लोन, बट उनके कांग्रेस में उनकी जो लिमिट है कि अपर लिमिट, हम इससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते, वो लिमिट को बढ़ाने के लिए बिल अब तक पास नहीं हुआ। तो इसमें IMF की गलती नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि एक US में ऐसा क्राइसिस अभी चल रहा है, अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो शायद हमें रिसेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना में भी एक इशू आया हुआ है, एवरग्रांड करके एक फर्म है, उन लोगों का फर्म अभी वो रियल स्टेट में था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में था, और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में था, बट उसका अंदर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन आया है, जिसके तहत वो कंपनी बंद होने की कगार पे 2 दिन पहले चाइना ने अपने स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स भी ट्रेड करने बंद कर दिए थे। अगर वो कंपनी अपने डेट से उभर नहीं पाती है तो अगेन एक रिसेशन US से, एक रिसेशन चाइना से, शायद ये ग्लोबली फेस करने को मिले। लेट्स सी क्या होता है, 10-15 दिन बाद हम समझते हैं उसका सिचुएशन क्या, बट अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों का पर्पज ये है कि एक मॉनिटरी सिस्टम स्टेबल मेंटेन रहे, इसके अंदर में गड़बड़ ना हो। तो जब सिस्टम में गड़बड़ होती है तो ये पैसा फ्लो करते हैं उस सिस्टम के अंदर में, ठीक है। अगला क्या है, इसके मेंबर्स हम बात कर चुके हैं, 189 वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर्स है, विच रिप्रेजेंट सिंगल कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप ऑफ कंट्रीज, सिंपल एक एग्जाम्पल लू तो यूरोपियन नेशन आपने सुने होंगे, राइट? यूरोपियन नेशन की अगर हम बात करें तो यस, यूरोपियन नेशन इज अ ग्रुप ऑफ, ये देखिए हाउ मेनी कंट्रीज, यूरोपियन नेशन इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, गिनो तो कितने हैं। इसके अंदर में ब्रिटेन नहीं है, राइट? यूनाइटेड किंगडम नहीं है, वो एग्जिट हो चुका है। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इसमें कोई ये एक कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, यू विल नॉट रिप्रेजेंट ओनी वन कंट्री, बट इट विल गो नाउ रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ये भी ऐसे कुछ लोग मिलाकर इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर में आते हैं, 24 डायरेक्टर्स है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। लार्जर बोरोवर है अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट, और लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन है जिसके ऊपर नजर रखे है IMF की, डिफॉल्ट कर सकते हैं, दैट इज महितो, कोलंबिया एंड मार्को। क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हुआ द लार्जेस्ट बोरोवर्स, सर मेंबर्स 190 हो गए, आई हैव टू लुक इनटू दैट, अभी पर आपके मॉड्यूल में 189 लिखा है, मैंने बताया ना 2019 से ये बड़े नहीं है, 2019 से ये बड़े नहीं है, ठीक है। यूरोपियन नेशन में 27 देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27 कंट्रीज होंगे। यूनाइटेड किंगडम इज नो लॉन्गर द मेंबर ऑफ UE, तो 27 कंट्रीज का ग्रुप है, राइट? यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का ग्रुप है, यूनाइटेड किंगडम एक यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम इज नो लॉन्गर द मेंबर, ये अभी इस देश इसका मेंबर नहीं रहा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े यहाँ से, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एम ऑफ IMF क्या है, प्राइमरी एम टू प्रमोट इंटरनेशनली इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, हम देख चुके हैं पैसों का लेन देन के अंदर में कोऑपरेट करते हैं, टू फैसिलिट एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज स्टेबिलिटी,
असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, सिर्फ डॉलर में पेमेंट की जगह और भी अदर ऑप्शंस हो इसके ऊपर में भी ध्यान रखने का काम रखती है IMF. मेक रिसोर्सेज अवेलेबल विथ एडिक्वेट सेफ गार्ड टू द मेंबर एक्सपीरियंसिंग द बैलेंस पेमेंट डिफिकल्टीज. जो भी रिसोर्सेज हो ना, पैसे की जरूरत है, डॉलर अगर इन करेंसी प्रिंटेड चाहिए और अवेलेबल नहीं है उस देश के पास, तो ये लोग अरेंज करके ये सारी चीज़ें देते हैं. IMF इन न्यूज़, ये 2000 to 2021 का न्यूज़ दिया हुआ है, जिसके अंदर में क्या बोला हुआ है, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड विच शार्पली कट इंडियन ग्रोथ हैज प्रोजेक्टेड अ रिकवरी इन 2020-21. ये प्रोजेक्शन था, ये 2019 में खड़े रह के इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है. ठीक है, एक बात समझो, ये 2019 में रह के प्रोजेक्शन किया है, अभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो हमारे इंडिया से ही गीता गोपीनाथन है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने ये प्रोजेक्शन दिया. ये प्रोजेक्शन, ये नंबर्स हमारे लिए अभी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करते. हाँ, IMF ने एक चीज़ बोला था कि उन्होंने इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया हुआ है वर्ल्ड ग्रोथ को 2020 को ध्यान में रखते हुए, जबकि कोविड तब तक बाहर भी नहीं आया था, बट उन्होंने फिर भी उसको डाउनग्रेड किया हुआ था. एंड द बिगेस्ट रीजन वॉज दैट कि US और चाइना और यूरोपियन के जो आपस में ट्रेड वॉर चल रहे थे, एक्चुअली ऑटोमोबाइल को लेके उस वक्त उनके बीच में झगड़ा चल रहा था कि चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनीज को यूरोपियन नेशंस या US में एंट्री देना क्या. आखिरी में उन्होंने डिनाई कर दिया था एंड चाइना ने फिर सैंक्शंस लगाए, US ने चाइना पे सैंक्शन लगाए. ये सैंक्शनबाजी एक दूसरे के ऊपर वो करते रहते हैं. तो इसके तहत में उन्होंने थोड़ा सा इसका जो इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डाउन प्ले किया था, बट आफ्टर दैट कोविड ब्रेकडाउन हुआ था, ये जो परसेंटेज है ये और भी बहुत ज़्यादा कम हुए थे. अगेन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस. ये जो परसेंटेज है, हम ये MCQ के दौरान अलग अलग जगहों पे हम, मैं आपको ये रिवाइज करवाई दूंगा, तब हम इसको नोट डाउन कर लेंगे. क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक IMF के बारे में? अगला जो है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम आसियान बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, आसियान. हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आसियान? यस, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स इन आसियान? कितने हैं, गिनो, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 कंट्रीज आर द मेंबर्स इन आसियान. यहाँ लिखा भी है 10 कंट्रीज जो है ये इसके मेंबर्स हैं. ब्रुनेल, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, कंबोडिया, सिंगापुर एंड वियतनाम. ये 10 कंट्रीज ये आसियान नेशन के मेंबर्स हैं. इंडिया इसका मेंबर नहीं है. पहली बता दूँ, आप अगर बोलोगे कि सर इंडिया मेंबर नहीं है, नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, राइट? साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया कम्स इन साउथ एशिया, नॉट साउथ ईस्ट एशिया. अगर हम मैप में देखें, यदि हम इसको मैप में देखें तो दिस इज द आसियान नेशन, दीज आर द कंट्रीज हु आर इन आसियान. साउथ ईस्ट एशिया के ये जो कंट्रीज है वो है. अगेन, वो 10 कंट्रीज के नाम है, यहां पे आप मैप पे लोकेट कर सकते हैं. तो इंडिया इज नॉट इन साउथ ईस्ट. ये जो कंट्री है, अगेन ये कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बनाया जिसका एजेंडा था सबका साथ सबका विकास. बराबर है, सबका साथ. एक देख लो इनका इंटेंशन क्या था. आसियान बनाने के पीछे का इंटेंशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, ये डेट हाईलाइट करके रखो, ये डेट पे क्वेश्चन आ सकता है, 8 अगस्त 1967 में ये इन्होंने आसियान फॉर्म किया था इन बैंकॉक. इसको फॉर्म कब किया था? बैंकॉक में, थाईलैंड, विथ अ सिग्निफिकेंट आसियान डिक्लेरेशन फाउंडिंग आसियान नेमली. उस वक्त कंट्रीज जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थी. बाद में कंट्रीज ऐड हुए जो बर्लिन, कंबोडिया, लेवस, म्यांमार, वियतनाम, ये जो है बर्लिन ने ज्वाइन किया था. बट ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेट एक इंपॉर्टेंट है, ये डेट पे क्वेश्चन आ सकता है. ये सारे डेट्स आपने याद भी नहीं रखे कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न कंट्रीज कब कब मेंबर्स करके ज्वाइन हुए थे, बहुत ज़्यादा फर्क उस पर नहीं आना है. बट 8 अगस्त 1967 हमारा ध्यान रखना है. इनका एम क्या था, इस कंट्रीज का एम क्या था? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन. इकोनॉमिक ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, सोशल प्रोग्रेस, एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे को कल्चर को सपोर्ट करना है, डेवलप करना है. दैट वाज द रीजन, बिकॉज ये 1967 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तब तक चाइना का डोमिनेशन नहीं था. आप एक बात समझो, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे ये जो है ये आपका साउथ चाइना सी है, जहाँ पे चाइना अपना क्लेम देता है कि ये मेरा है, मैं कंट्रोल करेगा. तो आपको नहीं लगता ये साउथ चाइना सी के तहत में ये सारे आसियान नेशंस है जो उससे परेशान रहेंगे? साउथ चाइना सी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे आसियान नेशन है उनको इससे दिक्कत है. तो इन आसियान नेशन का इंटेंशन वॉज नॉट टू काउंटर चाइना इन द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी. राइट नाउ दे आर फोकसिंग टू काउंटर चाइना एज वेल, बट ओरिजिनली देयर इंटेंशन वॉज टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट. आई होप क्लियर है.
इनका ओरिजिनल इंटेंशन वॉज दैट साथ साथ में टू प्रमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी थ्रू अबेंडिंग रिस्पेक्ट जस्टिस रिलेशनशिप ऑन द कंट्रीज एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये देखो यहाँ पे चाइना को हल्का सा उन्होंने पिंच किया कि भाई रीजनल पीस मेंटेन कर, झगड़े मत कर, यूएन के हिसाब से जो हमारे कमिटमेंट्स है उस पर तू फोकस कर, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टमेंट इन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इकोनॉमिक सोशल कल्चरल टेक्निकल साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। छोटे छोटे नेशन से आपस में सपोर्ट करके साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग में वो एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च फैसिलिटी एजुकेशनल प्रोफेशनल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में इन लोग एक दूसरे के साथ में असिस्टेंस रहेंगे। टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को प्रमोट करना, यहाँ का मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एवरीथिंग इस सब को हम प्रमोट कर सके, इस सब चीज़ों के ऊपर में उनका फोकस है। टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल स्टैंडर्ड, जैसा यूरोपियन नेशन मिलके, देखो क्या होता है ना, अगर कोई भी बात अगर आप अकेले, जैसा अगर मैं मेरी क्लास की भी बात करूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है, एक स्टूडेंट आएगा तो मुझे लगेगा कि ये शायद एक बंदे को दिक्कत है, बट वहीं 10 लोगों का ग्रुप आके मेरे से अगर बात करेगा तो वो एक ओपिनियन फॉर्म करता है। तो एक ग्रुप साथ में रह के अगर कोई मैटर रीजनल इंटरनेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने रखता है तो उसका वजन ज्यादा पड़ता है। यूरोपियन नेशन अगर कोई बात रखे और एक पर्टिकुलर सिर्फ स्पेन एक बात रखे तो ज्यादा वजन यूरोपियन नेशन का पड़ता है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज है। उसी तरह आसियान को भी उन्होंने इस रीजनल का एक रीजनल ग्रुप बनाने की कोशिश किया है कि उनकी बात वो इंटरनेशनल बॉडीज के सामने रख सके। आई होप समझ में आया आसियान का इंटेंशन क्या था, आसियान बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या था। क्लियर है क्या? हाँ या ना? श्योर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं जो आजकल न्यूज में चल रही है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, क्वाड मेंबर्स, जिसके अंदर में मेंबर्स कौन कौन है, एक हो गया आपका इंडिया, दूसरा हो गया आपका जापान, तीसरा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया एंड चौथा हो गया आपका अमेरिका। इन चार ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया हुआ, राइट, टू काउंटर चाइना इन साउथ चाइना सी। आपको नहीं लगता क्या ये थोड़ा सा बायस था, इसमें एक भी कंट्री को उन्होंने, एक भी आसियान कंट्री को इंक्लूड नहीं किया, जबकि सबसे ज्यादा परेशान ये आसियान कंट्री है। इनका क्वाड का इंटेंशन सिर्फ साउथ चाइना सी नहीं है, वो इंडो पैसिफिक सी कहते हैं, जिसके अंदर में इंडियन ओशन भी आता है, बट यस दे शुड हैव ऑल्सो इंक्लूडेड आसियान नेशंस एज वेल, बट नहीं, उन्होंने उनको इंक्लूड नहीं किया। अब जो भी रीजन रहे होंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। उसके बाद एक ऑकस डील और इन्होंने साइन किया, जिसके अंदर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, ये तीन नेशंस ने मिलकर एक डील साइन किया, जिसके अंदर में यूएस इज गोइंग टू गिव न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया सो दैट ही कैन वॉच, ही कैन कीप द वॉच इन साउथ चाइना। यहां से अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन, यहां से देखा जाए तो आपका साउथ चाइना सी, इसके अंदर में वो ऑस्ट्रेलिया वॉच रख सके, इसलिए उसको न्यूक्लियर सबमरीन दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, जो बनाएगा कौन, यूके, मैन्युफैक्चर्ड बाय यूके, प्रोवाइडेड टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम यूएसए। बट इसमें एक दिक्कत है, आपको पता है कि एक टेक्निकल इशू, आई डोंट नो वेदर ऑस्ट्रेलिया हैज लुक इन टू और नॉट, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट, आपको ये पता है ना, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट, इसमें ऑस्ट्रेलिया को फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूक्लियर रिसर्च करने का राइट नहीं है, दे हैव साइन अ ट्रीटी जिसके अंदर में नो न्यूक्लियर रिसर्च का उन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन कर रखा है, इंडिया हैज डिनाइड दैट ट्रीटी, इंडिया ने उस पर साइन नहीं किया, इंडिया ने ये बोला था मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊ नहीं बनाऊ ये मेरे ऊपर है, बट आई विल नॉट बी द फर्स्ट पर्सन टू यूज दैट, वील बी कीपिंग न्यूक्लियर आर्सेनल फॉर डिफेंसिव पर्पजेस, बस ऑस्ट्रेलिया ने बोला था हम न्यूक्लियर रिसर्च नहीं करेंगे, तो उस ट्रीटी पे उन्होंने साइन किया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट मेंटेन दैट सबमरीन, वो सबमरीन कौन मेंटेन करके देंगे उनको, यूएसए या यूके, तो डोंट यू थिंक इनका बहुत ज्यादा जो बजट का एक्सपेंडिचर रहेगा वो सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन को मेंटेन करने में चले जाने वाला है, क्योंकि दे डोंट हैव एक्सपर्टीज, दे डोंट हैव इवन राइट टू डू रिसर्च एंड मेंटेन दैट, तो ये सब दिक्कतें आएंगी। आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिमाग लगाते हुए ये ट्रीटी साइन की है, बट ठीक है, जबकि क्वाड था, बट कई लोगों का बोलना है क्वाड के रहते ऑकस डील यानी ऑकस के आते क्वाड का कोई डाइल्यूट नहीं होने वाला, बट हम थोड़ा भटक रहे हैं टॉपिक से। इंटेंशन ये था कि भाई इनमें आसियान नेशंस को इंक्लूड करना चाहिए था, बट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, वैसे भी अमेरिका अपने हिसाब से करता है, अफगानिस्तान से जब उन्होंने विड्रॉ किया तो यू हैव सीन द सिचुएशन कि किस तरीके की सिचुएशन उन्होंने वहां पे छोड़ रखी है, तालिबान को काउंटर करने के लिए उन्होंने वहां गए थे और तालिबान को ही देश छोड़ के निकले हैं, तो कोई उनका रहने से 20 साल रहने से वहां पे कोई चीजें सुधरी नहीं है, यहां भी वही होने वाला है, बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे वो, ठीक है, चलो जाने दो, आगे बढ़ते हैं हम आसियान नेशन के तरफ में। हम ये था आसियान नेशन के 10 मेंबर्स रहे,
इसका 35th समिट रहा, अगेन 35th समिट थोड़ा पुराना हो चुका है, 37 तक समिट हो चुके हैं, मैं बता फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। 35th समिट में क्या बोला हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड, जिसके अंदर में एडवांसिंग पार्टनरशिप विद स्टेबिलिटी, ये उसका मोटो था, जिसके अंदर में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने रीजनल कमिटमेंट फॉर फ्यूचर स्ट्रेंथन पार्टनरशिप के ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, FTA के जो गाइडलाइंस को हमने वेलकम किया है वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने उसमें दिया था। जस्ट गो थ्रू दैट, एक बार पढ़ लेना। बट यस, मैं जैसा कह रहा हूँ, इसके अलावा भी आगे समिट्स हो चुके हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, आसियान के जो समिट्स ऑलरेडी हो गए, ये हम पढ़ चुके हैं। ये थाईलैंड का समिट था जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि ये एडवांसिंग पार्टनर। अब इस पे डेट्स आपको ध्यान रखनी है, डेट्स नहीं, एटलीस्ट कम से कम लोकेशन। 35th समिट थाईलैंड में हुआ था, 36th समिट वियतनाम में, 36th 37th वियतनाम में हुआ था, 38th जो है आपका ब्रुनेल, 38th 39 ये दोनों ब्रुनेल में हुए, डेट्स ये हो चुके, नहीं आई मीन ये 26th, हाँ ये हो गए ना, नहीं ये होने हैं अभी, ये होने हैं अभी, राइट। तो ये 26th 20th अक्टूबर को होने हैं, इसका प्री मीटिंग एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। इसमें जो हायर पर्सन चेयर पर्सन है, बेसिकली ये ईयर्स याद रखना है, 35th थाईलैंड में, 36th वियतनाम में, 37th वियतनाम में, 38th 39th जो है ब्रुनेल में होना है, क्लियर है, हाँ या ना, यस और नो, आगे बढ़े यहाँ से, ये बाकी है अभी, दिस आर अबाउट टू हैपन, बट इनका एक हायर चेयर पर्सन की मीटिंग हो चुकी है, जिन्होंने शेड्यूलिंग एंड एवरीथिंग डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है। ये 35th समिट है जो फेस टू फेस हुआ था, यू कैन लुक इन टू दैट, जितने भी आसियान नेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 उस देश के लीडर्स यहाँ पे उपस्थित थे, राइट। ये आपका 36th आसियान समिट, अगेन ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट, बट ये वर्च इसमें फर्क है ना, क्या लग रहा है इन दोनों में फर्क क्या है, 36th और 35th में कोई डिफरेंस, कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको, 36th और 35th में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, क्या है, 35th में सब प्रेजेंट थे, वहाँ वर्चुअल, वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट थे, बट 36th दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ चाइना, राइट। चाइना ने किया ये, चाइना ने पूरे देश में, ये देख लो डेट, देखो इसकी डेट क्या है, 26 जून 2020, और इसकी डेट क्या थी, नवंबर 2019, उसके बाद दिसंबर में वायरस डिटेक्ट हुआ, हमारे इधर इंडिया में भी लॉकडाउन मार्च में लगा था, मार्च 2020 में लगा था। तो यस, ये समिट वर्चुअली हुआ, आपका 11th फरवरी का जो 11th टू 15th नवंबर का समिट भी वर्चुअली हुआ था, राइट। 36 37 दोनों समिट वर्चुअली हुए, ये आपका 36 समिट है, ये आपका 37 समिट है, अगेन इट वॉज हेल्ड वर्चुअली, 38th इज अबाउट टू हैपन, बट येस इनके जो सीनियर है, सीनियर पर्सन जो है आसियान सीनियर ऑफिशियल्स, एक बार जून में मिल चुके हैं अबाउट फाइनलाइजिंग द थिंग्स, एजेंडा क्या रहेगा, किस बारे में डिस्कशन होगा आने वाली मीटिंग में, एक लोग प्री मीटिंग करवाते हैं। इसकी डेट थी 26 जून 2021, एक बात समझना, 26 जून 2021 को हमारा 30th समिट नहीं हुआ, प्री मीटिंग हुई, सीनियर ऑफिशियल्स उस तारीख को मिले, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि 26 जून को आसियान के सीनियर ऑफिशियल्स मिले थे, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ी, हाँ कोविड प्रोटोकॉल के तहत में, यस एग्जैक्टली दैट, 36 कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग करवाई गई थी, ठीक है। तो ये सब ठीक है, इसका हमारे को समय नहीं, हाँ सर, इसके बाद में 5th आसियान यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट एक हुआ था, जिसके अंदर में दिस वॉज कंडक्टेड विथ 35th आसियान समिट, जो 35th आसियान समिट था उसके साथ में ये कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर में जितने भी आसियान नेशंस थे उनको यूथ को बोला गया था कि वो अपने देश के कल्चर को प्रमोट करते हुए वीडियोस बनाए, देश के कल्चर्स को प्रमोट करते हुए वीडियोस बनाए, जिसके अंदर में एलियाना फार्मा फ्रॉम इंडोनेशिया वॉज द विनर, फर्स्ट विनर वो थे, यहाँ से ऐसा समझ में नहीं आता, ऐसा मजा नहीं आता सर, ऐसा नहीं, देखो ये जो है सबमिट किया गया था 5th एशियन कंट्रीज का, ही वॉज द विनर, ही वॉज द 5th आशियान यूथ फेस्टिवल के विनर रहे, ही वॉज फ्रॉम इंडोनेशिया, ये विनर ही याद रखिए, बहुत है आप लोगों के लिए, आलिया फार्मा 5th आशियान यूथ के, इसके बाद में 6th उन्होंने अनाउंस किया बट हुआ नहीं अभी तक, 5th ये सेकंड रनर अप थे, सिंगापुर के थे ये, डाइनिया सी, एंड सेकंड विनर जो थे दैट वाज फ्रॉम लाओ पीडीआर, ठीक है। 6th अनाउंस हुआ है, अभी होने का है उस पर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हमारा
यूथ फेस्टिवल है, 17th एशियन इंडियन समिट जो हो चुका है, एक आसियान हमने क्या किया है, इज इंडिया द मेंबर, इज इंडिया द मेंबर ऑफ आसियान, इज इंडिया द मेंबर ऑफ आसियान नेशन, यस और नो में जवाब दो, इज इंडिया मेंबर ऑफ आसियान नेशन, इज इंडिया मेंबर इन आसियान नेशन, यस और नो में जवाब दो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर इन आसियान नेशन, बट आपको दिख रहा है ना नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं आसियान मीटिंग में, इंडिया मेंबर नहीं है वो, 10 मेंबर्स में इंडिया नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया नहीं आता, बट फिर भी नरेंद्र मोदी जी गाइड करते हुए दिख रहे हैं ना आसियान नेशंस को, ऐसा कैसे हुआ? एक्चुअली हमने आसियान मेंबर्स के हम मेंबर नहीं थे, तो हमने एक ग्रुप और बना लिया जिसका नाम है आसियान इंडिया समिट, हमने एक और ग्रुप बना लिया आसियान मेंबर्स के साथ में, हम खुद भी जुड़ गए, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं आसियान इंडिया, हम उस ग्रुप को क्या बोलते हैं आसियान इंडिया करके, आई होप क्लियर है। तो उसकी भी समिट होते रहते हैं, 17 समिट अगेन इट वॉज हेल्ड वर्चुअली, 18 समिट नॉट येट हेल्ड, इट विल बी हेल्ड कमिंग डेज में होगा, बट इट वॉज नॉट येट हेल्ड, क्लियर है? हाँ या ना? तो हम भी उनके साथ में मिलकर रीजनल कोऑपरेशन और उस सब को फोकस करते हुए में एक ग्रुप बना रखे हैं। तो आसियान नेशन इज द मेंबर ऑफ 10 कंट्रीज एंड ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज एंड आसियान इंडिया इज ग्रुप ऑफ 10+1 कंट्री, दैट इज इंडिया, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ये 18th आसियान नेशन, ये सॉरी 18th जो समिट था हो चुका है, 18th आसियान नेशन, जिसके अंदर के हाइलाइट्स जो है ये मैंने आप लोगों को निकाल कर दिए हुए। दिस वॉज कंडक्टेड इन, अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया ये, जिसके हाइलाइट्स के डेट देखते, डेट बताता हूँ मैं, ये सितंबर में पोस्ट हुआ, एक्चुअली इसकी डेट कुछ 12 से लेकर 14 सितंबर के आसपास कुछ डेट्स थी इसकी। इंडियन अश्योरेंस इन आसियान पार्टनर्स इन इंडिया सपोर्ट टू रिकवर द एफर्ट्स इन द पोस्ट पेंडेमिक पीरियड, तो पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में रिकवरी के लिए हम सबका मदद करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास इज द एजेंडा ऑफ आसियान नेशन, राइट? आसियान इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर कंसल्टेंट हेल्ड दैट कंट्रीज इन्वाइट टू इन्वाइट इंडिया इन पोटेंशियल सेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फार्मेटिकल सेक्टर्स, हम दवाइयाँ, इंडिया वो इंडिया इज ट्राइंग टू बी द वर्ल्ड फार्मेसी, तो उसके तरफ में हम आसियान नेशन का सपोर्ट चाहते हैं, ये सब उसमें कंक्लूड हुआ है। देन आसियान बिजनेस काउंसिल ने क्या रिकमेंड किया है, दैट एनहांस द आसियान इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आपस में हमने ट्रेड करते रहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ मरने की हरकत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रीजनल ट्रेड खराब होते हैं। डिस्कशन फॉर एवरी कमेंसमेंट ऑफ आसियान नेशन ट्रेड इन गुड्स अरेंजमेंट रिव्यू, तो वो ये ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जो भी आपस में है उस सब के ऊपर में डिस्कशन है, कमिटमेंट्स है, कुछ प्रॉमिसेस किए गए हैं उस पर हमने स्टिक करना है। ट्रेड अरेंजमेंट नीड टू बी रेसिप्रोकल, म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड शुड बैलेंस द एस्पिरेंट्स ऑफ बोथ पार्टनर्स, तो वही है बेसिकली जो आसियान नेशन है और इंडिया के जो ट्रेड अग्रीमेंट्स है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने चाहिए, इट शुड नॉट बी वन वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिक्स, अगला है ब्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज अगेन इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स अगर आप देखेंगे ब्रिक्स, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनके एब्रीवेशंस, उनके नाम के एब्रीवेशन से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके एब्री नाम के एब्रीवेशन से ब्रिक्स ये बनाया गया, ब्रिक्स ये टर्मिनोलॉजी को दिया गया। तो ब्रिक्स का काम क्या था, ब्रिक्स का इंटेंशन क्या था, ब्रिक्स क्यों बनाया गया? ऑन 20th September 2006 ब्रिक्स मिनिस्टर हैज प्रपोज द रशियन प्रेसिडेंट ऑन मार्जिन ऑफ यूनियन सेशन ऑन न्यूयॉर्क, उन्हें ये सब मीटिंग हुआ था उनका, ठीक है ये पुराना है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, अगेन म्यूचुअल आप देखेंगे तो इनका मल्टीलैटरल कोऑपरेशन वॉज द इंटेंशन, एक्सपांडिंग विद द हेल्प ऑफ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, अगेन सबका साथ सबका विकास। इन 2016 इंडिया बिकम द हेड ऑफ एसोसिएशन, 2016 में इंडिया हेड ऑफ एसोसिएशन बना। प्रेसिडेंसी वॉज द 8th समिट, इसका 8th समिट का प्रेसिडेंसी हमारे पास में था। तो एक मिनट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंसी एंड चेयर, ठीक है? प्रेसिडेंसी हम थे, कब थे, जब हमने 2016 में उसका लिया, उसके बाद में ये 2019 के आसपास में ये 4 साल के लिए जाती है प्रेसिडेंसी, किसके पास है अभी, चाइना के पास में। बट एक मिनट, आप सुनोगे नहीं सर, अभी वाला जो ब्रिक्स समिट हुआ, 13th ब्रिक्स समिट हुआ, उसमें तो चेयर नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी वॉज नॉट प्रेसिडेंसी, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी चाइना के पास है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है, चाइना के पास है। बट यस, जो समिट होते हैं, जो साइकिल चलता है समिट का,
एवरी ईयर दे मेट 5 ईयर्स, हर साल वो एक एक बार मिलेंगे, एक बार वो साइकिल निपटा तो फिर प्रेसिडेंसी भी शिफ्ट होते जाती है। प्रेसिडेंसी भी अभी जैसा प्रेसिडेंट हम थे, इंडिया थी, 5 साल बाद चाइना हुआ, चाइना के बाद अब कौन हो जाएगा, साउथ, 5 समिट के बाद चाइना हुआ, 5 समिट के बाद फिर चाइना के बाद कौन हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। इट गोज ऑन प्रेसिडेंसी, एंड हर प्रेसिडेंसी के रूल में एवरी कंट्री विल बिकम अ चेयर जो समिट होस्ट करेगा, जो समिट होस्ट करेगा। तो आपको अगर मैं इसके बारे में बता दूं तो एक मिनट, 8th समिट जो था, 8th समिट किसने होस्ट किया था, जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, 8th समिट इंडिया ने होस्ट किया था, जिसके अंदर में उसको प्रेसिडेंसी दी गई थी 2016-17 में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं बट चाइना इज राइट नाउ इन द प्रेसिडेंसी। एक मिनट, कहाँ है। जैसा 11th समिट जो है, 11th समिट किसने हेल्ड किया था, ब्राजील। 12th समिट किसने हेल्ड किया था, रशिया। 13th समिट कौन हेल्ड करेगा, इंडिया। ये हो चुका है 13th समिट, जिसमें नरेंद्र मोदी वॉज द चेयर पर्सन, नरेंद्र मोदी वॉज द चेयर पर्सन, उसमें पीएम इज द चेयर पर्सन एट द टाइम। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या। 14th समिट कौन करेगा, 14th समिट चाइना, 14th समिट कौन करेगा, चाइना। एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंसी शिफ्ट हो जाएंगी साउथ अफ्रीका को, प्रेसिडेंसी किसको मिल जाएंगी, साउथ अफ्रीका को। समझा क्या, बॉडी में गया तो एक बार यस लिख दे। अभी प्रेसिडेंसी इज विथ चाइना, बट 13th समिट चेयर किया था नरेंद्र मोदी ने। चेयर किया था मतलब ये होस्टेड द मीटिंग, यानी होस्टेड समिट हमने होस्ट किया था इंडिया ने। तो जो होस्ट करता है इज द चेयर पर्सन, जो बताता है कि क्या एजेंडा रहेगा, किस बारे में हम बात करने वाले इस मीटिंग के अंदर में। बराबर है, आया ना, आगे बढ़ी। 11th समिट के, 11th BRICS समिट के तहत में हमारे को क्या, 11th BRICS समिट वॉज हेल्ड इन ब्राजील। द थीम ऑफ दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव फ्यूचर, इंडियन इंट्रा ब्रिक ट्रेड। जस्ट ये सब परसेंटेज हमारे लिए बहुत काम के नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये मल्टी, इसका जो इंटेंशन था वो क्या था, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट। तो उसके तहत में इंडिया ने R27 डील किया था रशिया के साथ में, जिसके अंदर में हमने उनसे एक मिसाइल लिया था। इंडियन एयरफोर्स हैड, देखो, इंडियन साइंड वर्थ 1500 करोड़ ऑफ R27 एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम रशिया। तो हमने ये एयर टू एयर मिसाइल उनसे अग्रीमेंट के तहत खरीदी थी, जिसके अंदर में ये मिसाइल्स जो है, हमारे जो प्लेन है हमारे पास में, एक सुकई सुकई और मिग प्लेन्स जो है हमारे पास में, उसमें ये मिसाइल्स को हम माउंट कर सकते थे। तो इट वॉज अ डिफेंस अग्रीमेंट, अगेन इट वॉज डन अंडर द परव्यू ऑफ, इट वॉज डन अंडर द परव्यू ऑफ ब्रिक्स। ये सब उसके स्पेसिफिकेशन है मिसाइल्स के। इसके पीछे में आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि अगेन इसके ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जिस पे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम एमसीक्यू के दौरान देखेंगे। आई होप क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत है तो बोलो। एवरीवन इज क्लियर विद दिस, एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ये हमने एक क्विक फटाफट में देखा है कि आपके इसके अंदर में क्या दिया हुआ है। वी हैव डन विथ 3 इंटरनेशनल बॉडीज, आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वाले 3 इंटरनेशनल बॉडीज पर डिस्कशन करेंगे। हमने IMF देखा, आसियान देखा, ब्रिक्स देखा, कल हम इन 3 के तरफ चलेंगे। बट अभी हम MCQ की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा, MCQ की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग, यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग। बच्चा लोग, स्टार्ट ज्वाइनिंग द MCQs। MCQ प्लेटफॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ही है, क्लिक ऑन दैट एंड ज्वाइन द लिंक फॉर MCQ डिस्कशन। MCQ रैंडम रहेंगे, ठीक है। आपको लगेगा सर हम इंटरनेशनल बॉडीज के MCQ ले रहे हैं, नहीं, व्हेन आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर MCQ वो बहुत रैंडम मिलते हैं। वैसे आज हम जो है ये देख रहे हैं बुलेटिन, अप्रैल और मई के बुलेटिन के क्वेश्चन से। सर कौन डिसाइड करता है प्रेसिडेंसी, इट इज बाय साइकिल, इट इज बाय साइकिल, बताया ना, 5 साल में साइकिल चेंज हो जाता है, अगला बंदा बाय नेम प्रेसिडेंट बन जाता है उसका। इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद रशिया, इंडिया, ये चलते रहेगा। चलिए ज्वाइन करिए फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोज हु वांट टू वोट लाइव दे कैन ज्वाइन ऑन द लाइव वोटिंग लिंक, दोज हु जस्ट वांट टू गिव द आंसर्स ऑन यूट्यूब दे कैन ऑल्सो गिव आंसर्स ऑन चैट सेक्शन एज वेल। आपकी मर्जी, आप जैसा भी जाना चाहो आप जा सकते हो। आई होप लिंक में जुड़ने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, हो रही है तो पूछ लो। क्या लाइव 30-35 बच्चों के आसपास लाइव अटेंड कर रहे हैं, 17 ही बच्चे ज्वाइन किए। आई विल वेट 30 सेकेंड्स मोर देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन।
अगेन मैं बता दूं, ये ई बुलेटिन के क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं? ई बुलेटिन के क्वेश्चन है अप्रैल और मई मंथ के, अप्रैल एंड मई मंथ के। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ई बुलेटिन पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है ई बुलेटिन? चैट में एक बार मी लिख दो। ई बुलेटिन कितने लोग पढ़ के आए? मैंने आपको बोला ना 6 महीने के पढ़ना है आपको, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ये 6 महीने के ई बुलेटिन आपको पढ़ के जाने हैं। ये 6 महीने के ई बुलेटिन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज संजीव कुमार इज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आइए लीडर बोर्ड पर पोजीशन देखते हैं, क्या कौन कितना पानी है। ओके दैट्स गुड। आज खुशी गोयल, इन्हें चार्ज्ड अप हो आप लोग, ये जितने भी 9900 प्लस जिन्होंने नंबर लिया है ये एकदम आज तो हम सही होके रहेंगे बोला, हम पढ़ के बैठे हैं, ठीक है? चलो कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया, खुशी वेलकम बैक बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल आप सबके सामने। थ्री रफाल फाइटर जेट रीच इंडिया ऑन March 31, 2021। हाउ मेनी रफाल फाइटर जेट आर इन इंडिया नाउ एज ऑन April 1, 2021? ये April 1, 2021 का पूछ रहा है। एक मिनट, ठीक है, तो ये एक मिनट मैं आपको बता दूं, April 1, 2021 के हिसाब से 14 आंसर है। April 1 लिख के रखना है कहीं, लिख के रख लो। April 1, 2021 के हिसाब से 14 आंसर इज करेक्ट, बट अगर मैं बात करूं हमारा 30 सितंबर के हिसाब से, जो हमारा कट ऑफ है 30 सितंबर के हिसाब से बात करूं, तो इंडिया हैव 26 रफाल जेट नाउ। कितने हैं उनके पास? इंडिया के पास में 26 आउट ऑफ 36। हमने ऑर्डर प्लेस किया था 36 का और हमारे पास अभी 26 है। बॉडी में गया है तो एक बार चैट में यस लिख दे। ये मैंने ई बुलेटिन से उठाया है, तो उन्होंने ई बुलेटिन में डेट के हिसाब से पूछ रखा है, तो उसका आंसर 14 है, बट इंडिया के पास आज की सिचुएशन के हिसाब से 26 है, 26 रफाल जेट है। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ यहां से। चलिए नेक्स्ट लीडर बोर्ड का पोजिशन देखते हैं, लीडर बोर्ड का पोजिशन देखते हैं। अगेन खुशी वॉज द फास्टेस्ट स्टिल मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। विच नेशन इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल? करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। नॉर्वे इज ट्राइंग टू मेक अ वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल, जिसका विड्थ जो है किलोमीटर जो है 1.6 माइल लॉन्ग है एंड 118 फीट की विड्थ रहने वाली है। तो यस, ह्यूज कंटेनर्स कैन पास ऑन थ्रू दैट पेनिनसुला ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो पेनिनसुला ऑफ नॉर्थ वेस्ट नॉर्वे है वहां से ये टनल बनने वाला है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड का पोजिशन क्या रहा। करेक्ट आंसर इज नॉर्वे, वर्ल्ड फर्स्ट टनल, मतलब समझता है ना, ऐसा पहाड़ के बीच में से एक नदी निकालेंगे, उसमें से ढके हुआ रहेगा पूरे तरफ से टनल। कैनल और टनल में फर्क होता है। अप्रैल के बुलेटिन कर रहे हैं हम, अप्रैल मंथ के बुलेटिन। ए चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, ठीक है? मैं आंसर निकाल के बैठेगा ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से दो। पहले पढ़ के बैठ सकते थे, अब नहीं खोल के बैठना बुलेटिन। हु विल बी द 40th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
एन वी रामानन इज द 40th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विल बी लिखा हुआ है बट ही इज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 24th अप्रैल इटसेल्फ, 24th अप्रैल 2021 को उनको अपॉइंट कर दिया, विल बी लिखा हुआ है क्योंकि वो अप्रैल के शुरुआत का क्वेश्चन था, बट येस नाउ ही इज बीन अपॉइंटेड एज 40th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, लीडर बोर्ड का पोजीशन देखते हाई खुशी ऑन फायर एकदम, बोले अपन फास्टेस्ट रहना ही है, अपन को लीडर बोर्ड पोजीशन छोड़ना ही नहीं है. बोले बहुत बढ़िया रघुवीर, बहुत बढ़िया प्रेरणा, टॉप 10 में है. दिव्या का अक्षत, लड़ो हमको आना है. चलिए नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने. द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन इन टू विच मैसेजिंग ऐप अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी. बहुत बवाल हुआ था. बहुत बढ़िया, वाव मोमेंट रहते रहते रह गया. एक जन है जिसने गलत जवाब दिया. एक्चुअली व्हाट्सएप वॉज दैट कंपनी जिसके प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर में इंक्वायरी बैठाई गई थी. ठीक है, उसने बहुत लगाया था कि व्हाट्सएप बैन हो जाएगा अगर आप वो नहीं करोगे. इंडियन ने बोला, ट्रायल ने बोला बंद कर नहीं तो तेरे को बंद करते, तो चुप हो गया वो. अभी भी मैसेज आता होगा जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं भी एक्सेप्ट करो तो चलता है, बैन बंद नहीं हुआ व्हाट्सएप कुछ. अगेन खुशी वॉज द फास्टेस्ट फॉलोड बाय रघु कृष्णा प्रेरणा. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टॉप 5 वैसे ही मेंटेन कर रहे हैं. यहाँ झगड़ा झगड़ा चल रहा है. चलो ठीक है ठीक है, चलो अगले अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. हाँ जी, विच कंटेनर शिप वॉज ब्लॉकिंग द स्विस कैनल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. बहुत नुकसान करवा दिया था इसने. स्विस कैनल एक रास्ता है जो इजिप्ट के पास से निकलता है बेसिकली. एक वो साउथ अफ्रीकन नेशन को पूरा घूम के जाने की जरूरत नहीं है आपको अगर उससे जाते हो तो. इजिप्ट, इजिप्ट से होकर गुजरता है वो. ठीक है, इजिप्ट को बहुत पैसे भी मिलते हैं उसके. एवर गिवन करके कंपनी है, उनने वहाँ पे एक उसको ब्लॉकेज कर दिया था. दिस गो फ्रॉम द गल्फ ऑफ स्वेज जो है बेसिकली. दिखाओ क्या मैं आपको मैप पे देखने के इंटरेस्टेड हो क्या? देखते 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 स्विस कैनल जो है, देखो ये दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट, आप लोकेशन समझो, लोकेशन समझो. ये इजिप्ट है. हाँ इजिप्ट है. यहां से अगर यूरोपियन नेशंस की तरफ जाना है, अगर आपको इंडियन ओशन से यूरोपियन नेशंस में जाना है तो इतना घूम के जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को. बट अगर आप यहाँ से जाते हो, देखो यहाँ से सी रूट है, बट यहाँ से दिक्कत क्या थी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लैंड आती है, बट यहाँ पे इन्होंने कैनल बनाया, इजिप्ट ने कैनल बनाया हुआ है जिसको कैनल को स्वीज कैनल बोलते हैं. यहाँ से बाकायदा जमीन काट के नहर बनाई गई है जिससे शिप्स निकल सकती है. ये दिख रहा है कि ये इस तरीके से जाता है और ये यूरोपियन नेशंस में एंटर कर सकती है यहाँ से शिप्स. तो यहाँ पे स्विस कैनल के अंदर में एक ब्लॉकेज हुआ था. एवर गिवन करके एक कंपनी है, इस तरीके से वो शिप उनका ब्लॉक हो गया था. ये दिख रहा है क्या आपको? वहां पे एट ए टाइम एक ही शिप निकल सकता है, बड़ा शिप रहा तो वो एक, ज्यादा से ज्यादा दो. उसमें वो शिप पूरा का पूरा ऐसा आड़ा हो गया था. कहाँ गया भाई? पूरा का पूरा शिप ऐसा कैनल पे आड़ा हो गया था, तो ब्लॉकेज जिसके तहत में आना जाना बंद हो गया था. राइट, तो इट वॉज वॉट डन बाय एवर गिवन कंपनी, अ चाइनीज कंपनी. हाँ ध्यान रखना, उनमें ही है ये सब मस्ती. ठीक है, एवर ग्रैंड अलग है, जो अभी दिवालिया निकला हुआ है एवर ग्रैंड अलग है, एवर गिवन अलग कंपनी है. एवर के इस साल के नक्षत्र सही नहीं लग रहे. ठीक है, मंजुनाथ वॉज द फास्टेस्ट. उन्होंने एक पोजीशन भी गेन किया, टॉप 5 में आ गए हैं वो 6th नंबर से. कॉन्ग्रेचुलेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी झगड़ो झगड़ो लड़ो. अगले सवाल की तरफ. हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड.
एंड यस द करेक्ट आंसर इज रजनीकांत. रजनीकांत भी इज बीन अवॉइडेड अवॉर्डेड एज दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड. अगला सवाल, लीडर बोर्ड का पोजीशन चेक कर ले. यस, खुशी गोयल वॉज द फास्टेस्ट मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजिशन. मंजुनाथन गलत हो गए, वो नीचे आ गए, अमीषा वापस ऊपर आ गए. ठीक है ठीक, झगड़ो ऐसा ऐसा आपस में लड़ाई चल रही है इनकी. अगला सवाल आप सबके सामने, हु ऑथर्ड द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर. किसने लिखा है ये बुक? डॉक्टर एम रामचंद्र, डॉक्टर एम रामचंद्र. क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, याद नहीं रहते हमें ऐसे नाम. ठीक है, लीडर बोर्ड पोजीशन देखते हैं अगेन. खुशी इज द फास्टेस्ट मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजीशन. अक्षत जो पहले नीचे थे, देखो धीरे 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 पोजीशन गेन करके और टॉप थ्री में एंटर कर चुके हैं. यू कैन ऑल्सो डू इट. बाकी ऐसा मंजुनाथ, सचिन, स्वप्नी, लेके, देव्या, डिसार्टन नहीं होना, लड़ना है, फाइट मारना है, आखिरी तक चलना है. ठीक है, लड़ेंगे, पास होके ही निकालेंगे. ठीक है, हु टॉप्ड द फोर्ब्स बिलेनियर लिस्ट 2021 विद अ नेटवर्थ ऑफ 177 बिलियन. $177 बिलियन के साथ जो टॉप किए थे, इट वॉज जेफ बेजोस, उन्होंने टॉप किया था. अभी एक मिनट है, एक कन्फ्यूजन आएगा इसमें, एक कन्फ्यूजन आएगा आप लोगों को, रुक जाओ. ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, हु ओवरटुक जेफ बेजोस टू बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एज पर फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट. ये अगस्त 2021 की सिचुएशन है. ये सिचुएशन कब की है? अगस्त 2021 की सिचुएशन है. आंसर है बर्नाल्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली, राइट? अर्नॉल्ड सर ये कौन है? एक मिनट, ऐसे नहीं दिखाएंगे आपको, फील करना है. ठीक है, ये व्यक्ति है बर्नाल्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली, जिन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े, जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े अगस्त केस में, अगस्त केस में. बट वैसे देखा जाए तो जेफ बेजोस वॉज द रिचेस्ट मैन टिल अगस्त. क्लियर है क्या? बॉडी में क्या है तो थम्स अप दो एक बार. आई होप क्लियर है. तो ये अगस्त के बुलेटिन में लिखा हुआ है, और अभी हम जो बुलेटिन पढ़ रहे वो अप्रैल का बुलेटिन पढ़ रहे. अप्रैल के हिसाब से कौन है? अप्रैल के हिसाब से जेफ बेजोस थे. तो अब आपने आंसर लिखना है अर्नॉल्ड. ये अभी क्वेश्चन पुराना हो गया है, बट ठीक है, अप्रैल में जेफ बेजोस थे. आगे बढ़े, नेक्स्ट. रियल टाइम मिलेनियर लिस्ट में आप बर्नॉल्ड का नाम लिखेंगे और रिचेस्ट मैन में जेफ बेजोस का नाम लिखेंगे. ठीक है, अगेन खुशी वॉज द फास्टेस्ट. अमीषा अगेन वेलकम टू टॉप फाइव. अगला सवाल आप सबके सामने, V
फीफा हैज सस्पेंडेड विच नेशंस फुटबॉल फेडरेशन, फेडरेशन को ही सस्पेंड कर दिया उन्होंने, टीम नहीं फेडरेशन, एक ही है हमारे इसमें ऑप्शन में जिसके साथ ऐसा हुआ हो सकता है, कम से कम इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड। इंडियन फुटबॉल टीम इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलती, इंडियन टीम है, इंडियन फुटबॉल टीम है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाती इंटरनेशनल खेलने के लिए, बट टीम है, इनका तो फेडरेशन ही सस्पेंड हो गया, टीम छोड़ दो फेडरेशन ही सस्पेंड हो गया। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी, हमारे ऑनरलिय पड़ोसी, आदरणीय, यस अगेन फास्टेस्ट इज खुशी मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजिशन। प्रेरणा वेलकम टू टॉप फाइव। अमीशा बेटा आप लूज कर रहे हो, ऐसा मत करो झगड़ो। मंजुनाथन तुम तो नीचे ही चले गए, वापस आना है, वापस आना है पर टॉप फाइव में वापस आना है। चले मई के क्वेश्चंस, मई बुलेटिन के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देयर आर मोर देन वन डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहली बता रहा हूं, बट अब मई के अंदर में किनका अपॉइंटमेंट किया था हमने, इट्स टी रविशंकर, इट्स टी रविशंकर, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, डिप्यूटी डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इट्स टी रविशंकर, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि चेंज तो नहीं हो गया करके, ठीक है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उसके पहले लीडर बोर्ड पे चेक करते हैं लीडर बोर्ड का पोजीशन क्या बन के आता है। खुशी इज द फास्टेस्ट स्टिल मेंटेनिंग द लीडर बोर्ड पोजिशन। रघु कृष्णा उनके बस पीछे ही हैं। अक्षत बेटा पीछे हो गया है, ठीक है तू थर्ड नंबर पे है बट गलत हो रहे आंसर्स। प्रेरणा झगड़ो, टॉप थ्री में घुसने का है अभी, गुड गुड ए के, अच्छा चल दे चल दे चलने दो चलने दो चलने दो। दीक्षिता बहुत नीचे से ऊपर आई है, शायद दीक्षिता थी नहीं अब तक टॉप टेन में, गुड कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम दीक्षिता। रिसेंटली द कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन विच बैंक। मई में, मई 2021 में, तो यस द करेक्ट आंसर इज आईडीबीआई। आईडीबीआई के डिसइन्वेस्टमेंट के तहत में हमने कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था, वो जा रहा है बढ़ रहे आगे उसको लेके, ठीक है। यस अगेन खुशी इज द फास्टेस्ट। अगला दीक्षिता धीरे धीरे पोजीशन गेन कर रही है, गुड 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 गुड, जवाब दो इसका। एंड रंगास्वामी टुक द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑन मई 7th। पांडिचेरी, पांडिचेरी कह रहे, ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लीडर बोर्ड की पोजीशन देखते हैं, लीडर बोर्ड क्या कहते हैं लीडर बोर्ड। अगेन खुशी इज द फास्टेस्ट। मृणाली मंजूनाथ कहाँ, टॉप टॉप थ्री टॉप फाइव के पास थे, तुम नीचे ही जा रहे हो, ऐसा कैसे। आई थिंक ही इज नो मोर विथ अस। क्विज में देखते हु इज न्यूली इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु,
करेक्ट आंसर इज एम के स्टेलियन इज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट. अगेन खुशी इज द फास्टेस्ट. ए के वेलकम टू टॉप फाइव. नीचे से आए हो आप भी. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कंग्रेचुलेशंस. दीक्षिता नीचे चले गए एकदम. अगला सवाल लास्ट सिक्स क्वेश्चंस इंक्लूडिंग दिस. थोड़ा फास्ट करो आपका अगले क्लास का टाइम हो रहा है फिर. When he was appointed as the Attorney General of India, he was appointed in 1989. उनका डेथ हो गया अप्रैल में, but he was appointed in 1989. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक बार लीडर बोर्ड स्किप किया मैंने अभी. हम बाद में एक साथ देखते हैं, अभी दो दो तीन क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड देखते हैं. अभी हम आगे बढ़ रहे. द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी विल हैव द प्राइमसी ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट. करेक्ट आंसर इज दिल्ली. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली विल हैव द प्राइमेसी ओवर द यूनियन टेरिटरी. ठीक है, सीधी बात है. वैसे भी दिल्ली में कंट्रोल सीएम से ज़्यादा उनके यूनियन के हाथ में होता है, सेंट्रल के हाथ में होता है बेसिकली. यस खुशी अगेन द फास्टेस्ट. मृणाली धीरे धीरे आ गए ऊपर टॉप फाइव में. कंग्रेचुलेशंस. चलिए 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 लास्ट फोर क्वेश्चंस. विच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बी फीचर्ड इन टाइम मैगजीन 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी. ओनली प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं आप बेसिकली. एजुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में. द करेक्ट आंसर इज बायजूस. करेक्ट आंसर बायजूस है, अनअकैडमी नहीं, बायजूस. ठीक है, अगला सवाल आप सबके सामने. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर कोरोना वॉरियर्स हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ लॉन्ग. दिस इज डन इन मे. इट इज बीन एक्सटेंडेड फॉर वन ईयर. इसको एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. हु हैज बीन नेम्ड एज द विजडन अलमकांस ओडीआई क्रिकेट ऑन ऑफ द 2010 डिकेड्स. विराट कोहली इज बिन नेम. विराट कोहली को वो दिया गया पुरस्कार. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. लास्ट क्वेश्चन, देन वी आर डन फॉर द डे. यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्लास. विच कंपनी विल बी अक्वायरिंग क्लियर ट्रिप. क्लियर ट्रिप एक ट्रैवलिंग कंपनी, ने कैसा बोलना, हो टूरिंग ट्रैवलिंग की बुकिंग करने की कंपनी है. विच विल नाउ बी अक्वायर्ड बाय. कौन अक्वायर कर रही है उसको, तो इट्स बीन अक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट उसको अक्वायर कर रहा है इंडिया में. ठीक है, देखते हैं आज के विजेता कौन रहे. आज के विजेता हमारे बीच में
लेट्स सी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी, यू आर द विनर. खुशी एंड रघु कृष्णा, टू स्टूडेंट्स जिन्होंने एक भी सवाल के गलत जवाब नहीं दिए, दोनों के लिए तालियां बजनी चाहिए. इस खुशी वॉज क्वाइट फास्ट एज कंपेयर टू रघु कृष्णा, बट रघु कृष्णा हैज ऑल्सो गिवन करेक्ट आंसर्स फॉर ऑल 20 क्वेश्चन. कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू. खुशी बदला आज पूरा हुआ, ठीक है. रघु कृष्णा अपने को अगली क्लास में बदला लेना है. अब नेक्स्ट क्लास में एवरीथिंग विल बी ऑन ग्राउंड जीरो, एवरी वन विल बी ऑन ग्राउंड जीरो, क्योंकि अब कल से जो है हम वो रैंडम क्वेश्चन देखेंगे, हम उल्टा जाएंगे. सितंबर से लेकर उल्टे मंथ के हम क्वेश्चंस लेंगे. तो ये सब ई बुलेटिन के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ. 6 बुलेटिन के क्वेश्चंस हमने 3 दिन में देखे. कल हम बचे हुए 3 इंटरनेशनल बॉडीज और विल स्टार्ट विथ 9th मंथ, सितंबर मंथ हम शुरू करेंगे. चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी एंड रघु कृष्ण. बाकी प्रेरणा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. रोनाली, एवरीवन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर परफॉर्मिंग गुड. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.